नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि Realme जो डिवाइस है, Realme XT, Realme 5 Pro, Realme X2, X2 Pro, बाकी Realme 3 Pro, इन डिवाइसों में Realme का UI का जो नेक्स्ट अपडेट है, Realme UI का एक और अपडेट वो आ चुका है। इसमें क्या क्या फीचर हमको मिलने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि वोफाई मीन्स वाईफाई कॉलिंग का फीचर जो है वो Realme में अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी अवेलेबल हो चुका है। वो मैं आपको एक सबूत दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं कि ये मेरा Realme XT डिवाइस है, लेकिन दोस्तों इसमें अभी कोई नया अपडेट आया नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अगर सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके क्लिक करोगे तो ये देखिए, इसमें अभी कोई अपडेट नहीं आया। इसमें Realme का C.01 अपडेट ही दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ Realme डिवाइसों में ये अपडेट आ चुका है। और Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, सॉफ्टवेयर अपडेट फॉर Realme, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों, Realme C3 इसके लिए भी A.03 वर्जन आ चुका है, जो कि 2.87 GB का है। अपडेट लॉग में क्लिक करके आप देखेंगे तो इसमें आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से अपडेट मिले हैं। Realme C3 में अभी वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया। Realme 5i जिसमें सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं कि एडिट एयरटेल एंड जियो वो वाईफाई फीचर कैमरा। तो दोस्तों Realme 5i में जो है वो A.16 नाम से आ चुका है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं 2.59 GB का। अगर आपके मोबाइल में अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो यहां से डाउनलोड कर लीजिए और यहां से डायरेक्टली आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं बता देता हूँ Realme X2 के अंदर भी दोस्तों, ये देखिए एडेड एयरटेल एंड जियो वाईफाई फीचर जो कि है A.19 Realme का X2 के अंदर भी आ चुका है, 2.56 GB का है। Realme X2 Pro इसके अंदर, X2 Pro के अंदर दोस्तों इसमें है नहीं अभी। Realme 5 Pro के अंदर भी अभी नहीं आया उन्होंने। और Realme XT जो कि है C.02 आप देख सकते हैं, ये नया वर्जन है 29 फरवरी 2020 का, जो कि है 3.5 GB का। इसमें अपडेट लॉग में देख सकते हैं कि एडिट एयरटेल एंड जियो वोफाई फीचर इन इंडिया, और कुछ जो हैं बग्स फिक्स किए गए हैं। और ये Realme का Android 10 का लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों। मैं जैसे कि मेरे मोबाइल में अपडेट शो नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ से डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ दोस्तों। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जिन जिन के मोबाइलों में ये अपडेट शो नहीं हो रहा है, वो यहाँ से Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना यहाँ से डाउनलोड करके और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, और वाईफाई कॉलिंग का फीचर अवेलेबल कर सकते हैं। वाईफाई कॉलिंग का फीचर आप जानते होंगे कि अगर हमारे पास सिम में बैलेंस नहीं है या फिर नेटवर्क नहीं है हमारी सिम में, उसके बाद भी हम दूसरे के वाईफाई से कनेक्ट करके फ्री में कॉलिंग कर सकते हैं हमारे नंबर से ही दोस्तों। ये बहुत ही गजब का फीचर है, जब आप इंस्टॉल करके इसको यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण फीचर है। तो दोस्तों आज ही ये नया Realme का जो अपडेट है वाईफाई कॉलिंग का, वो अपडेट कर लीजिए अपने मोबाइल में। और ये कैसा अपडेट है, कैसा लगा आपको, क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, कैमरा इंप्रूवमेंट भी है और कुछ बग्स फिक्स भी थे इसमें, बैटरी ड्रेन का इशू था वो भी फिक्स किया गया। तो दोस्तों इसका रिव्यू कैसा है वो मुझे बताइएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मैं नए नए अपडेट और नए नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, जितने भी नई नई खबरें हैं, वो मैं आपको लाता रहूँगा दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।